स्टेट वेदर द पार्टिकल इज एक्सक्यूटिंग एस एच एम और नॉट हमें क्या बताना है किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन वाई हमें गिवेन था वाई जुक्ल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी येसमेंट की इक्वेशन हमें गिवन थी अब हमें क्या बताना था स्टेट वेदर दिस पार्टिकल इज डूइंग एस एच एम और नॉट ठीक क्या ये पार्टिकल एस एच एम कर रहा है कि नहीं ये हमें बताना था अगर एस एच एम की कंडीशन देखे कोई भी पार्टिकल एस एच एम करेगा तो उसके इसमें क्या होगा उसका जो एक्सिलरेशन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा किसके डिस्प्लेसमेंट के ठीक और वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अगर हम कहें कोई पार्टिकल एस कर रहा है ठीक ये उसकी कंडीशन होगी अगर ऐसा हुआ कि उसका जो एक्सेलरेशन है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और अपोजिट साइन में है तभी वो एस करेगा हम मान लेते हैं कोई पार्टिकल अभी यहाँ पे था इस हमारे पास ऑरिजेंटल प्लेन पर एस करेगा ये उसकी इक्विब्रियम पोजीशन थी ठीक ठीक ये उसकी स्ट्रीम पोजीशन हो जाएगी एसएचएम मतलब क्या होता है कि इस इक्लिब्रियम पोजीशन से इक्वल डिस्टेंस तक दोनों तरफ मोशन करेगा ठीक यहाँ से मोशन स्टार्ट करेगा इस तरह से मोशन करते करते ऐसे जाएगा फिर ऐसे इस तरह से जा रहा होगा कुछ ऐसा समय आएगा कुछ देर बाद की वापस यहाँ से घूम जाएगा वापस घूम के अपनी इस इक्लिब्रियम पोजीशन पे फिर से वापस आ जाएगा फिर उतनी डिस्टेंस दोनों तरफ जाएगा

तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का हमारा इस डायरेक्शन में है ठीक अब इसको वापस घूम के इक्विलिब्रियम आना है एक कब आएगा जब इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा ठीक तो अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा हमने कहा कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा तो उसी डायरेक्शन में एक एक्सिलरेशन भी होगा ठीक तो ये एक्सलेशन होगा ये एक्सलरेशन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के लगेगा तो कुछ समय बाद डिस्प्लेसमेंट हमारा इतना हो जाएगा इस इसपे जो होगा अब हमें पता है कि अगर पार्टिकल वी वेलोसिटी से जाएगा उसके तो अपोजिट डायरेक्शन में थी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के हमेशा होगा, मतलब इसके में होगा तो इस वेलोसिटी को लगातार रिड्यूस करेगा ये एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक ऐसा समय आएगा कि उसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो और उसको कहते हैं हम एक्सट्रीम पोजिशन हमारा एक्सट्रीमिटीज बनता है एक्सट्रीम पोजिशन अब यहाँ से पार्टिकल वापस घूम के जाएगा तो यहां से वापस घूम के जाएगा तो एक्सेलरेशन अब यहाँ से जब वापस घूम के जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसी डायरेक्शन में रहेगा तो यहाँ से हम कहेंगे एक्सेलरेशन हमेशा इसका इक्विलिब्रियम पोजिशन की तरफ लगेगा तो इक्विलिब्रियम पोजिशन पे किसी भी समय पार्टिकल यहाँ से जाएगा मान लेते हैं वापस जा रहा होगा ठीक मान ले रहे हैं पार्टिकल अभी इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा इस डायरेक्शन में होगा एक्स का फाइनल डिस्प्लेसमेंट ठीक तो इस पर एक्सेलरेशन जो होगा इस डायरेक्शन में लगेगा तभी ये हमारा क्या होगा इस मीन पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस आ पाएगा और फिर ये वापस घूम के जाएगा

तो हो जाएगा डी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन हो जाएगा तो यहां से हम क्या करेंगे जो डिफ्रेंसिएट हमारे डिस्प्लेसमेंट की equation इसको हम differentiate करके एक्सलरेशन फाइंड आउट करेंगे अगर एक्सलेशन हमारा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हुआ नेगेटिव साइन आया तो हम कहेंगे यहाँ पे एस एच एम होगा ठीक तो यहां से हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे डी वाई बाई डी टी तो यहाँ से अगर डीवाई बाई डी फाइंड आउट करोगे तो ये हमारा कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा साइन ओमेगा टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंसिएशन कितना हो जाएगा कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी को फिर से करोगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा ओमेगा प्लस बी कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है माइनस साइन ओमेगा ठीक और ओमेगा टी का आपको फिर से करना पड़ेगा ये आ जाएगा ओमेगा तो डिफरेंसिएशन का रूल आपको पता होगा तो यहाँ देखेंगे आ गया एमेगा कॉस ओमेगा माइनस यहाँ पे हो गया बी ओमेगा साइन ओमेगा टी ये हमारे क्या आ गया डी वाई बाई डी टी ठीक ये क्या था हमारा डी वाई बाई डी टी और ये हमारा क्या हो जाएगा वेलोसिटी भी हो जाएगा ठीक अच्छा इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा अपना

माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा ठीक अब यहाँ से देखेंगे हमने क्या किया यहाँ पे माइनस हमने क्या किया माइनस ओमेगा स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया ठीक तो है क्या हो जाएगा हमारे पास ओमेगा प्लस पे क्या हो जाएगा हमारे पास बी कॉस ओमेगा टी अच्छा ए साइन ओमेगा प्लस बी कॉस ओमेगा टी हमारा क्या था डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से देखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर इन टू आई ए क्या आगे हमारे पास डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर अच्छा ये डी टू वाई पॉन्टी स्क्वायर क्या हो जाएगा तो यहाँ से हमें एक्सलरेशन क्या होगा हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई यहाँ से हमें मिल रहा है ना एक्सिलेशन क्या है अगर कहे ओमेगा स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई वाई क्या था हमारा A क्या था डायरेक्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? है अगर कहीं भी ऐसा आपको दिखे तो आप आखमून के बता सकते हैं कि यहाँ पे एस एच एम डेफिनेटली होगा तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे एस एच एम होगा हमसे पूछा गया था कि जो इक्वेशन है क्या एस एच एम यहाँ पे होगा कि नहीं होगा पार्टिकल एस एच एम एग्जीक्यूट करेगा तो यस दिस इज द इक्वेशन कि जो पार्टिकल हमारा एस करेगा थैंक यू क्लास सिक्स से लेकर नीट आई आई टी जेई मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर